हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू में। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल एडसन एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। जी गाइस, सबसे पहले चलिए ओवरव्यू जान लेते हैं। जब आपके 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 4000 प्लस घंटे हो जाते हैं गाइस, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। उसके 1-1.5 महीने बाद आपको एक एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आता है और वो आपके एड्रेस पे आता है जो आप गूगल एडसन में डालते हैं, पेमेंट एड्रेस। ठीक है गाइस, तो सिंपल चलिए मैं आज आपको पूरा ओवरव्यू यहाँ पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। और गाइस सबसे याद रखिए, सिर्फ आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं गाइस, 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, उसमें ही आपको एड्रेस वेरिफिकेशन पिन डालना होता है। अगर तीनों अटैम्प्ट वो गलत हो जाते हैं तो उससे आगे क्या करना होता है प्रोसेस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और रिसेंटली आज मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हुआ था गाइस, एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आया था बट मुझे लगा था वो मेरे एरिया का पिन मांग रहा है, तो मैंने 3 बार डाला और वो अटैम्प्ट तीनों लॉस्ट हो गए गाइस। तो उसका आप मुझे 20 दिन बाद में उसको रिकवर रिसेंट कोड कर सकता हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि मैंने जो गलती की है गाइस एड्रेस वेरिफिकेशन पिन में, वो आप मत करना गाइस। सिंपली आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपके तीनों स्टेप ख़त्म, तीनों अटैम्प्ट लॉस्ट हो जाते हैं, तो उसके आगे का आपको क्या करना होता है गाइस, 20-25 दिन का वेट कीजिए, 3 वीक्स का आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद रिसेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके अगर एड्रेस पे पहली बार, तो गूगल एडसन फिजिकली आपको पिन कोड भेजता है आपके एड्रेस पे, आपके घर पे अगर नहीं पहुंचता है गाइस, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे अभी इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हेमू से। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी वीडियोज़ के लिए। लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस। और दूसरा चैनल है मेरा स्टडी ब्लॉग्स, तो उसको जाके भी सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फ्यूचर में आपका। तो यार गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी गूगल एडसन एड्रेस वेरिफिकेशन पिन के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एड्रेस पे ही सेंड होता है गूगल एडसन के थ्रू जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और एड्स रन करने लगते हैं, ठीक है गाइस। और ये कब सेंड होता है, जब आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं और आपके $10 की अर्निंग कंप्लीट हो जाती है, तब ये फिजिकली आपके घर पे सेंड होता है। तो चलिए इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, गूगल क्रोम ओपन करते हैं गाइस। और जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे, आपको अपने गूगल एडसन पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब से जो होता है गूगल एडसन पे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने आज गलती की है वो आप मत करिएगा गाइस। मैंने क्या किया था, 3 अटैम्प्ट बिना सोचे समझे पढ़े इंस्ट्रक्शन क्लिक कर दिया गाइस, जिससे कि मेरा 21 दिन का वेटिंग पीरियड चला गया। तब तक मेरे एड्स भी रन नहीं होंगे और अर्निंग भी काउंट नहीं होगी। 21 दिन बाद मैं कोड रिसेंड करूँगा, तब मेरे एड्स वगैरह प्ले होंगे। चलिए अकाउंट को लॉगिन करते हैं। और गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए गाइस, सीधा मैं गूगल एडसन पे चल के आपको इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्या करना है। और जो मैंने आज गूगल एडसन को लेके गलती की है गाइस, वो आपको नहीं करनी है, रिमेम्बर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अभी क्रोम, गूगल क्रोम खुल चुका है यहाँ पे, तो देखिए सीधा गूगल एडसन पे चलते हैं। तो गूगल एडसन पे जैसे ही लॉगिन किया है मैंने, ऑलरेडी मेरा लॉगिन है उसमें। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दोबारा से मैं बता देता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पे आपको अभी अर्निंग दिख रहा होगा सिर्फ $5 है, बट यहाँ पे गूगल वेरिफिकेशन जो एड्रेस वेरिफिकेशन का था वो आज ही आया था। गलती क्या हुई थी गाइस, मैंने सोचा था कि जो हमारे एरिया का पिन होता है उसको डालना है, 3 अटैम्प्ट मिला था, 3 बार लॉस्ट हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था गाइस कि इसको फिजिकली घर पर सेंड किया जाता है, वो पिन हमें डालना होता है। अब देखिए इसमें वेटिंग पीरियड कितना मिला है गाइस, वेटिंग पीरियड अभी 3 वीक्स का मिला है, यानी 21 दिन का वेटिंग पीरियड मिला है गाइस। उसके बाद मैं रिसेंट पिन कर सकता हूँ अपने मन चाहे एरिया पे गाइस। और ये आपको देखिए कैसे करना होता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, आप पेमेंट में जाएंगे, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होता है, पेमेंट्स में जाएंगे, ठीक है। एंड पेमेंट्स में जैसे ही आप लॉगिन करते हैं गाइस, ठीक है, इसके बाद मैनेज सेटिंग में जाते हैं, जो आपको इस साइड पे दिख रहा था मैनेज सेटिंग, जैसे ही ओपन होता है गाइस, ठीक है, ये आपका मैनेज सेटिंग ओपन हुआ। ये देखिए गाइस, यहाँ से आपको अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है गाइस, ठीक है।
उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप ये डिसमिस हो सकता है या कॉन्टैक्ट सपोर्ट करते हैं। जब आपका 3 टाइम्स ओवर हो जाता है और यहाँ पे $10 से ऊपर होते हैं तो आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट कर सकते हैं गाइस। कॉन्टैक्ट सपोर्ट करने के बाद आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे जाना है गाइस। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, हैविंग प्रॉब्लम्स विथ योर पिन, ठीक है। दो ऑप्शन है गाइस, जिसमें आपको सेकेंड ऑप्शन चॉइस करना है, जिसमें पिन, ठीक है, ट्रबल शूटर वाला आता है, ट्रबल शूटर, इसको क्लिक कर देना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका यस कर देना है, और इसके अगर आपका देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अभी मेरा जो है ना थ्रेशोल्ड नॉट मेट, मतलब अभी मेरा $10 अर्निंग नहीं हुआ है यहाँ पे, तो ये अभी पिन में रिसेंटली मेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी मुझे 21 दिन का वेटिंग टाइम मिला हुआ है, लेकिन जो मैंने गलती की है गाइस वो आप मत करिएगा, बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाएगी। 21 दिन ना आपके ऐड रन करेंगे ना कुछ, ओनली वीडियो रन करेगी। तो अभी मेरा अब जो है 5 सितंबर को ही गाइस दोबारा से ऐड रन हो पाएंगे गाइस। तो ऐसी गलती आप मत करिए, जब भी आपको ये मोनेटाइजेशन के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन पिन दिखे तो आप फिजिकली पिन आएगा आपके घर पे, वो उस चीज़ का वेट करिए, वो उस पिन को डालना होता है गाइस। ये हमेशा इन्फॉर्मेशन याद रखिए, कंटिन्यू कर देते हैं। और जब मेरा अर्निंग इतना हो जाएगा गाइस, उसके बाद ही ये देखिए $10 के बाद मैं अपना मेल से वेरिफिकेशन करा सकता हूँ, बट अभी तो फिजिकली आएगा। और फिलहाल तो एक पूरा 3 वीक के लिए बंद कर दिया है मेरे चैनल का, जो ये देखिए ऊपर देख सकते हैं योर एड, ठीक है, यूनिट्स आर नॉट डिस्प्लेइंग एड्स बिकॉज यू हैव नॉट एंटर्ड योर पिन इनकरेक्टली 3 टाइम, टू वेरीफाई योर पिन एंड रिज्यूम एड सर्विसिंग प्लीज कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और ये सेकेंड आपको दिखा दूँ मैं इंस्ट्रक्शन, योर पेमेंट आर करंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाइड योर एड्रेस। तो आपको एड्रेस जरूर वेरीफाई करना है, 3 टाइम अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं तो गाइस उसके बाद आपको बहुत दिक्कत आएंगी, वो कैसे करते हैं देखिए। अब मैं आपको 5 सितंबर के बाद एक वीडियो फिर डालूंगा, जिसमें मैं अपने पिन को जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं अपने पिन को मेल के थ्रू वेरीफाई कराऊंगा, अगर फिजिकली घर पे आता नहीं है गूगल एडसन के थ्रू तो, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, ये जो मैंने गलती की आप मत दोहराइएगा, ठीक है। आपको मिलेंगे फिर ऐसी नेक्स्ट टेक अनबॉक्सिंग रिव्यू से भरी वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।